जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी आदतों की निशानी है, लेकिन आजकल लोग सारी रात जागते हैं और उसकी वजह है मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। लेकिन आपको बताते चले कि जो लोग देर रात तक जगते हैं उनमें डायबिटीज़ 2 के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक स्टडी में ऐसा कहा गया है कि रात को देर से सोने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठने वालों की तुलना में डायबिटीज़ 2 का 46% ज़्यादा रिस्क होता है। दरअसल नींद की ख़राब क्वालिटी के साथ गलत लाइफस्टाइल डायबिटीज़ को जन्म देती है। 5,000 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई जिनका वजन अधिक था। इन लोगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला, जल्दी उठने वाले लोग जिन्हें अर्ली क्रोनोटाइप की कैटेगरी में डाला गया। दूसरा, औसत समय मिडिल क्रोनोटाइप पर उठने वाले लोग। और तीसरा, देर से उठने वाले यानी लेट क्रोनोटाइप वाले लोग। आपको बता दें कि स्टडी की फाइंडिंग को यूरोपीय संघ की बैठक में भी दिखाया जाएगा। सारी रात जो लोग जागते हैं सुबह देर से उठते हैं। स्टडी में कहा गया कि रात में देर से सोने वालों की बायो क्लॉक गड़बड़ा जाती है, जिससे उनके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म संबंधी परेशानियां ज़्यादा पैदा होने लगती हैं। रात में देर से सोने वालों को होने वाली परेशानियों में हाई BMI, बेली फैट, फैटी लीवर और आंत में फैट जमना जैसी बीमारियां शामिल हैं। लेट क्रोनोटाइप वालों में मिडिल क्रोनोटाइप वालों की तुलना में डायबिटीज़ टाइप 2 होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके पीछे शरीर में फैट का बढ़ना, आंत की चर्बी का बढ़ना और फैटी लीवर शामिल है। अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है तो ऐसे में भी आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग देर से सोते हैं उनमें डायबिटीज़ 2 के तो लक्षण आते ही आते हैं, उसके अलावा भी उन्हें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आगे चलकर वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में डेवलप हो सकता है। वही कुछ लोग नींद के लिए दवाओं का सहारा तक लेते हैं, लेकिन जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर उनको और भी अलग अलग तरह की बीमारियां जकड़ सकती हैं। डायबिटीज़ होने के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जिसका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि जब आप रात को देर तक जागते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका बार बार कुछ खाने को मन करता है, उसमें भी हाई कैलोरी के फूड्स खाने का ज्यादा मन करता है। इसकी वजह से अक्सर लोग मिडनाइट स्नैकिंग के नाम पर खूब सारा प्रोसेस्ड फूड खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आता। वहीं अगर नींद की कमी की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और इतना ही नहीं, नींद की कमी की वजह से और भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको थकान होगी और नींद नहीं आती है।